हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कोलकाता स्टाइल में बनती है, शादी वाली बिरयानी की रेसिपी लेके। तो यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 600 ग्राम ये हमारा राइस है हमने लिया है, और इसको चार पाँच पानी अच्छे से हमने धो लिया है। धो करके उसके बाद फिर इसमें इतना देखिए, चावल से ऊपर करके पानी रख के इसको फुल्ले रखे हुए हमें 1 घंटा हो गया है। मतलब जब भी आप बिरयानी बनाएं तो बिरयानी के राइस को कम से कम 1 से 1.5 घंटे फूलने के लिए रख दें। और ये हमारा बिरयानी का टूटा हुआ राइस है, मतलब जो बड़े राइस होते हैं ना, अच्छे वाले बिरयानी के, वो जो टूट टूट जाते हैं, वो वाली राइस है। लेकिन ये देखिए, ये टुकड़े टुकड़े में है राइस, वो वाली है। ये थोड़े कम पड़ते हैं, 60 रुपये केजी पड़ते हैं, तो हमने यही मंगा लिया है। और इस टेस्ट सेम आएगा सब चीज़, वही कि लंबा थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये टूटा हुआ टुकड़े टुकड़े में, कोई कोई लंबा भी होगा और कोई कोई ये देखिए टूटा हुआ भी है। तो ये है मेरा 600 ग्राम बिरयानी का चावल। तो इसको हमने धो करके इसको 1 घंटे से रख दिया फूलने के लिए। तो इसको अभी साइड करती हूँ, और चावल 1 घंटा हो गया मुझे रखे हुए, थोड़ी देर और रहेगा जब तक मैं अपने चिकन को मैरिनेट करती हूँ, मतलब चिकन में मसाले वगैरह कैसे मिलाती हूँ। तो ये है हमारा चिकन, इसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करके इसका पानी निकलने के लिए ऐसे जाल वाले टोकरी में या किसी भी चीज़ में, बर्तन में आप भी उसको रखें। इसमें हमने डाल लिया अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, वही अदरक लहसुन जो जिसका मैं ग्रेवी भी बनाऊंगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसमें चिकन फ्राई करने के टाइम डालने के लिए इसमें, ताकि इसमें अच्छे से मसाले जाए, हमने डाल लिया फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, गोल मिर्च का पाउडर, अब इसमें डालेंगे ये चिकन करी मसाला, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा तर, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, बहुत ज़्यादा दही आपको नहीं डालना फ्रेंड्स, बस इतना ही। अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरे मसाले को चिकन में अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसको सारे मसाले को मैं मिला दी हूँ, अब इसको ना आप साइड कर दें कम से कम 1 घंटे के लिए। अब चलिए मैं तैयारी करती हूँ बिरयानी के आलू की। तो ये बिरयानी का आलू है, जो बड़े साइज़ के है उसको हमने 2 पीस कट कर लिया, जो छोटे साइज़ के है उसको हमने ऐसे ही छील करके रख लिया। और इसको हम 3-4 पानी से अच्छे से क्लीन करके, और फिर लास्ट पानी मैं इसमें रखी थी कि ताकि आलू काला ना पड़े। तो इसको हम डाल देंगे कुकर में, अब इसमें हम डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं, इतना डालना है कि सिर्फ आलू में जो है ना उसका सॉल्ट का अच्छे से टेस्ट आ जाए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो ना बहुत ज़्यादा फीका हो, तो आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, इस आलू में हम डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा क्योरा वाटर, अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स पानी, और इसको हम अच्छे से ऐसे हिला देंगे। ये देखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि आलू गल जाए, और जो थोड़े बहुत पानी मिल बचेंगे उसको फिर हमको फेंक ही देना पड़ेगा। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, अब हम गैस ऑन कर लेंगे और कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे। इसको ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 सीटी लगा करके हमको कुकर को उतार लेना है, और सारे स्टीम को उसी में छोड़ देना है। जब पूरा स्टीम गैस मतलब कुकर का निकल जाए तब आलू को आप निकाल लें, सिर्फ 2 सीटी में, नहीं तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाएगा। बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 3-4 पीस, और ये लौंग 3-4 पीस करके भी इसमें डाल सकती हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल यही है और मैं इसी से बनाऊंगी, और ये बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, आपका नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा, जितना राइस है उतना नमक लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे शुगर यानी चीनी, इसमें डालेंगे फ्रेंड नमक के साथ चीनी इसलिए डालेंगे कि इसमें जो हल्की हल्की नमक के साथ जो हल्की हल्की चीनी की मिठास ना, वो चावल को बहुत अच्छा, बिरयानी के चावल को और बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। आप ऐसा ज़रूर करें, इससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अब इस पर हम ढक्कन डाल के फ्रेंड्स इस तरफ हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने चावल का पानी भी चढ़ा दिया फ्रेंड्स, आपने देखा ही, ये धीमी धीमी आँच पर ये अच्छे से ये खूब खौलेगा तब इसमें चावल डालेंगे। तो इसको धीमी आँच पर हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ आलू भी हमारा रेडी हो चुका है, और मैं इसे अभी आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी इसको मैं ये करके दिखाती हूँ। देखिए,
ये देखिए अच्छे से गल चुका है, सिर्फ हमने 2 सीटी लगा करके और स्टीम को उसी में रहने दिया था। अब इसको कोई भी जाली वाली आप टोकरी में निकाल ले ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए और आलू सिर्फ ऐसे ड्राई बच जाए। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हमारी रेडी हो गई, अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स बरिस्ता रेडी करने, जो कि बिरयानी में जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका रोल है बिरयानी में, जिसके बिना बिरयानी का अच्छा फ्लेवर आएगा ही नहीं। तो हमने ये 5 पीस प्याज, छोटे छोटे 5 पीस प्याज हमने कट कर लिए हैं। तो इसको मैं थोड़ा ग्रेवी के लिए भी रखूँगी और इतना बरिश्ते के लिए मतलब बनाऊँगी जो ऊपर से बिरयानी में लेयरिंग करने में जाएगा। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले फ्रेंड्स ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ऑनियन स्लाइस किया हुआ बरिश्ते बनाने के लिए। तो इसे फ्रेंड्स हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम लो फ्लेम दोनों मिक्स कर करके फ्राई करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पूरा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स तो बरिश्ता ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए कभी गैस को आप बीच में लो कर दें, फिर लो पर इसको अच्छे से पक करके जब उतारने का टाइम हो तो फिर फ्लेम को हाई करके इसको निकाल लें। तो वैसे बरिश्ता अच्छे से एकदम कुरकुरा वाला बरिश्ता रेडी होगा, जिसको आप ऐसे करके चूर करेंगे तो वो पूरे अच्छे से चूर हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बरिश्ता फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा बरिश्ता रेडी हो गया, इसको अब हम साइड में रखेंगे। चिकन मैरिनेट किया था फ्रेंड, उसको 1 घंटे से प्लस हो चुके हैं, तो अब इसको हम इसी ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे जब तक हमारा बरिश्ता ठंडा हो चुका था तो उसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे, हल्का हल्का मसल लेंगे। जब हमारा चिकन एक तरफ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे ताकि दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, ये वाला इसको मैं अब निकाल लूँगी। बाकी की चिकन को भी ऐसे ही हम फ्राई करके निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे सारे चिकन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं तैयारी करूँगी ग्रेवी की। बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक देगची ले ली है फ्रेंड्स, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे प्याज और प्याज को अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाया था, हमने आपको पहले ही दिखाया फ्रेंड्स, इसको डाल देंगे। इसको डाल के हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक, नमक सिर्फ इतना ही डालना है कि जितना सिर्फ ये ग्रेवी जो है उसमें नमक हो पाए, क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला है, चिकन में भी नमक डाला है, तो सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से ही जो ये मसाले उसी के हिसाब से सिर्फ आपको नमक डालना है। और देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, देखिए तेल छोड़ रहा है मसाला, मसाला हमारा अच्छे से तो भून चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें अब हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, मैं इसमें छोटे टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून आप डाल दें। इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि जो ये हमने चिली पाउडर डाला ये उसके साथ अच्छे से भून करके उसकी भी एक अच्छी सी सोधी सोधी खुशबू आ जाए मसाले से। जब हमारा ये ग्रेवी अच्छे से भून चुका है मसाला, तो इसमें हम कट, ये हमने मिक्सी में एक बार चला लिया था फ्रेंड, हमने 100 ग्राम के करीब कट लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला करके इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा अब नहीं पकाना है फ्रेंड्स इस ग्रेवी को, 2 से 3 मिनट पकाना है बस। तो बिरयानी की हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है, जो नीचे सबसे नीचे जाएगी ये ग्रेवी ही से पूरे राइस में अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसमें नमक आप चख लें, हमने नमक चखा, एकदम परफेक्ट नमक है, तेज़ नमक नहीं रखना, थोड़ा लाइट ही रखना है। और अब हम गैस को कर लेंगे बंद, चावल का पानी इस तरफ हाई फ्लेम की तरफ कर लिया है और ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, हमारा पानी खौल रहा है। तो इसमें अब हम डाल देंगे चावल, आप आराम आराम से डालें, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करें, नहीं तो पानी ऊपर छलक के आकर के आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है, बहुत आराम से डालें। इसको अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स, अब इसको हम ढक करके चावल पकने देंगे।
तो यहाँ पे हमारा चावल रेडी होने वाला है। मैंने चेक करने के लिए ढक्कन खोला और आप ऐसे ढक्कन खोल के चावल को चाँप के देखिए, आपका चावल 80% कुक होना चाहिए, 20% दम पे कुक होगा, तो आप 80% में ही उसे पसा लें। और यहाँ पे फिर मैं चावल पसाने के बाद आ गई थी ग्रेवी जो बिरयानी की थी उसको फाइनल करने, मतलब अच्छे से उसका जो लास्ट जो भी डालना था वो क्लियर करने। तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब उसमें बिरयानी पाउडर मसाला डाला, उसका केड़ा बटर और 2-3-4 बूंद मीठा तड़का डाल करके उसको अच्छे से मिला लें और ये हमारी अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई। उसके बाद हम देखिए वही लेंगे, मैंने वही लिया, आप चेंज भी कर सकती, मेरे पास एक ही देखिए तो इसलिए मैंने इसे ही लिया है। उसमें हमने आलू और चिकन फ्राई जो भी था सबको डाल दिया है और आप इसको जो है ना चिकन को बीच में कर दे, आलू को साइड साइड कर दे, इसलिए क्योंकि तब जब हम ग्रेवी डालेंगे तो चिकन में ना अच्छे से ग्रेवी जाएगा और पकेगा चिकन अच्छे से। हाफ तो फ्राई में पक चुका, हाफ अब ग्रेवी में दम पे पकेगा तो चिकन हमारा बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा, हर एक मसाले का अच्छे से फ्लेवर जाएगा। और ये मैं आपको बता रही हूँ कोलकाता स्टाइल रेगी बिरयानी, यहाँ शादियों में इसी तरह बनती है बिरयानी कोलकाता की, अब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद उस पर से हम फिर से बिरयानी मसाला थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद फिर ये बरिश्ता हम डालेंगे अच्छे से पूरे में डालेंगे। और उसके बाद फिर जो बिरयानी का राइस है उसका हम इस बिरयानी को 2 लेयर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा 600 ग्राम ही चावल था। फ्रेंड्स आपके अगर चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गोश्त की तो आपका 3 लेयर में भी जा सकता है, लेकिन मैं इसे 2 लेयर में ही कंप्लीट करूँगी। चावल डाल के चावल को अच्छे से ऐसे फैला लें पूरे में, बराबर कर लें। बराबर करने के बाद फिर से हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे और हम कैसे डाल रहे हैं वो आप सेम चीज़ वैसे ही फॉलो करना फ्रेंड्स। और ऐसे बिरयानी मसाला डाल के फिर से हम जो बरिश्ता बचा लिए थे वो बरिश्ता रखना है और थोड़ा बरिश्ता भी फिर बचा लेना है लास्ट लेयरिंग करने के लिए। और इसी तरह से फिर दूसरी लेयरिंग में भी सेम फॉलो करना, फिर हम चावल रख के सेम जैसे मसाला बिरयानी मसाला डाले उसके बाद बरिश्ता डाल करना है वैसे ही डाल देना है, सेम चीज़ फॉलो करनी है। और बरिश्ता डालने के बाद अब लास्ट में इसमें फूड कलर जाएगा, अगर आपके पास घी हो तो थोड़ा सा यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून घी भी जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। और जो आप चिकन जो फ्राई करेंगे, जो ऑनियन फ्राई करेंगे, जो ऑयल बच जाएगा उसी ऑयल को अच्छे से पूरे में डाल दें। उसके बाद इस पर हमने आप कोई भी कॉटन कपड़ा लेकर के ढक्कन में डाल करके उसको अच्छे से कि ताकि इसका जो है ना गैस बाहर नहीं निकले, स्टीम बाहर नहीं निकले, उस पर भारी कुछ भी ढक्कन वगैरह हमने पत्थर का डाल दिया था और हमने आधे घंटे तक दम एकदम धीमी आँच पर, सॉरी आधे घंटे नहीं 20 से 25 मिनट तक दम किया था। और ये देखिए हमारी बिरयानी बनके रेडी हो गई है, इसकी पूरे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू फैल रही थी मैं क्या ही बताऊँ। और ये बिरयानी आप मेरे तरीके से एक बार बना करके आप खाएं, देखेंगे ना आप बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप फैन हो जाएंगे इस बिरयानी के, मैं सच में बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और देखिए हर एक चीज़, आलू भी अच्छे से गला था, हर एक मसाले का अच्छे से फ्लेवर आया था फ्रेंड्स, और ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी मेरे हाथों की। जो भी लोग ये बिरयानी खाएं ना सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी बनती है। तो हमारी कोलकाता स्टाइल रेगी दम बिरयानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो है ना आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।